डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे बोर्ड मास रूल्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस यूट्यूब चैनल की वीडियो को या इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि आप लोगों की वजह से जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल्स। अब देखिए बोर्ड मास रूल क्या हुआ है। ये देखो बोर्ड मास जो लिखा हुआ है, बोर्ड मास में ही एक एक वर्ड में इसकी पूरी मीनिंग छुपी हुई है। बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ मतलब होता है ऑफ। डी मतलब डिवाइड। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। से बी, बी मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स में भी टाइप होते हैं। ब्रैकेट्स के भी कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप होते हैं। फर्स्ट है स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, छोटा क्वेश्चन। स्मॉल ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, छोटा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। कैसे बनता है, ये है छोटा क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, मध्यम क्वेश्चन। मध्यम क्वेश्चन कैसा बनता है, ये क्या है दिख रहा है आपको, कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद है थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन। ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर ओ फॉर ऑफ, O for off या का। ऐसे ही D for divide means क्या होता है, divide means होता है भाग। और divide का sign कैसा बनता है, ये देखिए ये क्या है, divide का sign। divide के बाद है M for multiplication। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, गुणा। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, गुणा। और मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या होता है, ये। इसके बाद ए फॉर एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना। एडिशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना। और एडिशन का साइन क्या होता है, ये प्लस साइन। इसके बाद एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। और सब्सट्रैक्शन का साइन क्या होता है, ये माइनस का साइन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स के भी टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स। उसके बाद ऑफ या का। उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। ये होता है बोर्ड मास रूल्स। लेकिन इसको और अच्छे से हम समझने के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
नाइन प्लस सिक्स प्लस सेवन का थ्री माइनस नाइन प्लस टू माइनस सिक्स डिवाइड टू। अभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें लगेगा बोडमास रूल्स। क्या लगेगा? बोडमास रूल्स। तो क्या होता है इसमें, ये देखिए सबसे स्मॉल मतलब स्मॉल ब्रैकेट छोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिक्स डिवाइड टू, सिक्स का डिवाइड यानी टू का डिवाइड सिक्स में करेंगे तो कितने क्या वैल्यू आएंगे अपनी, थ्री आई, थ्री थ्री आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइन प्लस टू इलेवन, तो इलेवन माइनस थ्री, माइनस थ्री का सेवन प्लस सिक्स प्लस नाइन। फिर देखिए इलेवन में से थ्री माइनस होगा तो एट बचेगा, इलेवन में से थ्री माइनस होगा तो एट बचेगा, फिर ये माइनस का माइनस हो गया। अब देखो थ्री का मतलब होता है इनटू, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है इनटू, या मल्टीप्लाई इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन प्लस सिक्स प्लस नाइन। अब देखिए सिक्स में ट्वेंटी वन को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ट्वेंटी सेवन माइनस एट प्लस नाइन। इतना समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद क्या करते हैं, ट्वेंटी सेवन में से एट माइनस करूंगे, ट्वेंटी सेवन में से एट माइनस करूंगे तो क्या आ जाएगा, नाइनटीन प्लस नाइन। अब नाइनटीन में नाइन प्लस करो, नाइन में या नाइनटीन प्लस करूंगे तो कितना आएगा, ट्वेंटी एट। और आपका आंसर भी क्या है, ट्वेंटी एट। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।